चैप्टर सर्कल का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आखिर सर्कल होता क्या है? कहते हैं सेंटर में एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट से अगर फिक्स डिस्टेंस हर तरफ ले लें, एक राउंड फिगर बना दें, तो सर्कल कहलाता है। ये जो सर्कल के बिल्कुल दरमियान की लाइन होती है डायमीटर कहलाती है, और डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो रेडियस आ जाता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो डायमीटर के पॉइंट होते हैं, एक कहलाता है x1 y1, एक कहलाता है x2 y2। एग्जाम में जो सबसे पहला सवाल पक्का आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। आपको पॉइंट देके कहा जाता है कि इक्वेशन निकालें ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल होती क्या है? ये होती है x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इक्वल टू 0। तो भाई x1 y1 क्या दिए हैं? 1, 2 दिए हैं। x2 y2 क्या दिए हैं? 7, 8 दिए हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए जनाब, आंसर आ जाएगा।